हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब बात कर लेते हैं कोरोना की वैक्सीन पर। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने की ओर भारत के कदम तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकारी और प्राइवेट कंपनियां कुल 14 वैक्सीनेशन बनाने पर काम कर रहे हैं। देखिए, खुश कर देने वाली खबर है क्योंकि भारत भी इस मुहिम में अब काफी आगे जा चुका है। टीका बनते ही कितनी जल्दी लोगों के लिए ये उपलब्ध हो जाएगा ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन क्या पहल हुई है भारत में इस पूरे वैक्सीन के आविष्कार को लेकर, ये रिपोर्ट देखिए। सरकारी लैब में 6 तरह की वैक्सीन पर काम हो रहा है, जबकि प्राइवेट लैब 8 वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो कम से कम 8 वैक्सीन कैंडिडेट्स के ऊपर काम हो रहा है, जिनमें से 4 रिलेटिवली आगे हैं। और अगर हम उन वैक्सीन कैंडिडेट्स की बात करें जो हमारे साइंस नेशनल साइंस लेबोरेटरीज बना रही हैं हमारे देश की, और उनमें से 2-3 हमें बहुत उम्मीद है और ये हम चाहेंगे कि वो कम्पीट करें। इसके अलावा देश में 30 ऐसे ग्रुप हैं जो वैक्सीन खोजने की दिशा में काम कर रही है। इनमें बड़ी कंपनियों से लेकर स्टार्टअप तक शामिल है। हालांकि अभी तक ये जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है कि किस वैक्सीन का ट्रायल किस स्टेज पर है। वैक्सीन के अलावा कोरोना के खिलाफ काम आ सकने वाली दवाइयों पर भी तेजी से काम चल रहा है। जिन दवाइयों पर काम हो रहा है वो है फैबी पैरासर, ACQH, BCG वैक्सीन, माइक्रो बैक्टीरियल W, ऑर्बिडॉल और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। और रेमडेसिविर पे भी नजर है, सॉलिडेटरी ट्रायल के भीतर भी और उसके बाहर भी। तो कहना चाहूंगा कि ये रियल ड्रग मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारा देश इनको टेस्ट कर रहा है और अग्रणी श्रेणी में है इनको टेस्ट करते हुए, और पूरे रूल्स रेगुलेशन साइंस सेफ्टी एथिक्स उन सब से मिला के इसको किया जा रहा है। केंद्र सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने कहा कि जब तक कोरोना के खिलाफ दवाइयां नहीं बन जाती तब तक लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए।